नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल पहल द्वारा ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी देश परिवहन क्षेत्र में वहनीयता एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उचित प्रयास नहीं कर रहा है। विश्व में 2015 के स्तर से एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक और माल की मात्रा यानी फेट वॉल्यूम के 2030 तक क्रमशः 50% और 70% तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल है क्या। दरअसल यह एक वैश्विक पहल है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इसे सम फॉर ऑल भी कहा जाता है। यह 55 सार्वजनिक एवं निजी संगठनों और कंपनियों को सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को लागू करने के लिए एकीकृत करता है, जिससे परिवहन क्षेत्र को रूपांतरित किया जा सके। अब बात कर लेते हैं पहल के उद्देश्य की। इसमें 4 नीतिगत लक्ष्यों की बात की गई है। इसमें से पहला है सार्वभौमिक पहुंच यानी यूनिवर्सल एक्सेस। इसके तहत इस बात की चर्चा की गई है कि विश्व के सभी लोग और समुदाय आर्थिक सामाजिक अवसरों की प्राप्ति के लिए परिवहन से जुड़ सकें। यह निर्धनों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य सुभेद स्थितियों को शामिल करता है। यह सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 9 और 11 की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा लक्ष्य है दक्षता यानी एफिशियंसी। यह नीतिगत लक्ष्य परिवहन प्रणालियों के अनुमान करने योग्य यानी प्रेडिक्टेबल, विश्वसनीय यानी रिलायबल, समय पर यानी टाइमली और लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव होने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सतत विकास लक्ष्य 9, 7, 12 एवं 17 की प्राप्ति में सहायक है। तीसरा लक्ष्य है सुरक्षा यानी सेफ्टी। यह नीतिगत लक्ष्य परिवहन के दौरान दुर्घटना, मृत्यु और चोटों को रोकने से संबंधित है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और असुरक्षित गतिशीलता से जुड़े सामाजिक और आर्थिक नुकसान को रोकने का प्रयास करता है। यह सतत विकास लक्ष्य 3 एवं 11 की प्राप्ति में सहायक है। चौथा नीतिगत लक्ष्य है हरित गतिशीलता यानी ग्रीन मोबिलिटी। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में गतिशीलता के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने से संबंधित है। यह 3 उपलक्ष्यों पर आधारित है। पहला जलवायु परिवर्तन शमन यानी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, दूसरा वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन और तीसरा ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन। यह सतत विकास लक्ष्य 3, 7, 9, 11 और 13 की प्राप्ति में सहायक है। अब देखते हैं आज के टू द पॉइंट पर आधारित एक सवाल। सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता, सुरक्षा, व्यापार एवं वाणिज्य। उपरोक्त में से कौन से सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल के नीतिगत लक्ष्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का जवाब आप इस वीडियो को पॉज करके भी ढूंढ सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।